माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड क्लास, आज का पीरियड है मॉरल साइंस, और मॉरल साइंस में आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है। इसका टाइटल है अभिवादन। तो अभिवादन जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है, अभिवादन का अर्थ क्या है। अभिवादन का अर्थ है प्रणाम या नमस्ते करना। अभिवादन क्यों किया जाता है, इससे क्या लाभ होता है। अभिवादन करने से चार गुणों की प्राप्ति होती है। अभिवादन संबंधी एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यानी अपने से गुणों का प्रतिदिन अभिवादन करने से हमें चार गुणों की प्राप्ति होती है, आयु विद्या यश और बल प्रणाम। अब जहाँ पर अभिवादन का प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमें किसका अभिवादन करना चाहिए। तो प्रातःकाल जैसे ही हम निद्रा से जागते हैं तो हमें सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने माता पिता, दादा दादी और जो भी अपने से बड़े हैं उनका अभिवादन हमें करना चाहिए। इसी पाठ में कुछ और प्रश्न हैं कि अखिल कहाँ रहता था, तो अखिल अपने घर पर रहता था। अखिल के पिता क्या करते थे, अखिल के पिता सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाते थे। अखिल को उनके पिता अपने साथ कहाँ ले गए, विद्यालय ले गए, क्यों ले गए, कि लोगों को अपने बच्चे को शिष्टाचार दिखाने के लिए। तो जैसे ही वो विद्यालय में पहुँचे तो भैयाओं ने सबसे पहले उनको नमस्ते किया और चरण स्पर्श किए, बहनों ने उनको हाथ जोड़कर नमस्ते किया। तो ये आज का चैप्टर है, इससे संबंधित ये आपको अपनी कॉपी पर एक्सरसाइज नंबर 8 लिखकर और लेसन नंबर 3 अभिवादन लिखकर इसको करना है। पहला प्रश्न अभिवादन का क्या अर्थ है, जो मैंने अभी बताया प्रणाम नमस्ते करना। हम अभिवादन क्यों करते हैं, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए करते हैं। अभिवादन करने से क्या लाभ होता है, हमें चार गुणों की प्राप्ति होती है, आयु विद्या यश और बल। प्रातःकाल जागने पर सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए, धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद अपने माता पिता और बड़ों को। फिर ये अखिल कहाँ रहता था, इससे संबंधित ये सब प्रश्न हैं, ये अपनी कापी पर करना है। और आज का आपका होमवर्क है अभिवादन वाला श्लोक लिखना, इसी पाठ में लिखा हुआ है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इसी के साथ आज का ये शिक्षण कार्य समाप्त होता है। दैट्स ऑल।